इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद की खदीम सब्जी मंडी कारवान में तरकारी फरोश खवातीन को रफे हाजत के लिए मुश्किलात, पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का मुतालबा। हैदराबाद के नामपली केयर हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे 2021 तकरीब, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने की शिरकत। तेलंगाना के जिले सरसल्ला के 98.5% पॉपुलेशन को दिया गया कोविड का पहला डोज, वजीर केटीआर ने जिले की अवाम, कलेक्टर और तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। इमाम और मुअज्जिनैन के मुशाहरे जारी करने में बदउनवानी का सूफी खैरुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड पर लगाया इल्जाम, चेयरमैन मोहम्मद सलीम को बताया अबुल मुनाफिक। दो बच्चों की मां ने आशिक के साथ मिलकर किया शौहर का किडनैप, तलाक के पेपर पर जबरदस्ती करवा लिए दस्तखत, खातून और दीगर दो लोगों को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में आईपीएल की सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 23 बुकीज गिरफ्तार, नकद रकम समेत जुमला 2 करोड़ से ज्यादा मालियत सामान जब्त। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के खदीम मार्केट्स में से एक कारवान सब्जी मंडी में सरकारी बैतुल खला ना होने से तरकारी फरोश खवातीन को मुश्किलात का सामना है। ये खवातीन सुबह से शाम तक यहाँ तरकारी का कारोबार करती हैं, ताहम यहाँ की खवातीन और मुकामी लोगों ने मुतालिका हुकाम और अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए इस इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का पुरजोर मुतालबा किया है। यहाँ यह बात काबिल गौर होगी कि GHMC की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं और ऐसे कई टॉयलेट्स इस्तेमाल में नहीं हैं, जबकि ऐसे मकामात पर इन टॉयलेट्स की शदीद ज़रूरत है। शॉप से हम लोग कोई भाजी बेचते, किसी की दुकान से, बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों को कहीं बाहर जाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। सुबह आते शाम तक, शाम बाद में 10 o'clock को आते, रात में 9 o'clock तक रहते, तो लेडीज प्रॉब्लम रहता है। जेंट्स बोले तो कहीं भी ये कर सकते, लेडीज कहाँ जाना, शौचालय बन जाए, हम लोग को सेफ्टी रहना, लेडीज को सेफ्टी रहना। हम लोग तो पहले आया है, शौचालय डाल रहे, बनने वाला है यहाँ पर, शौचालय बनता है यहाँ, बच्चे लाए थे, हम लोग खुश हो गए। फिर नेक्स्ट डे बोल रहे कि नहीं होता, ये किसी की जगह किसी की जगह पे तो कचरा कुंडी नहीं रख सकते ना, गवर्नमेंट तो रहे तो कचरा कुंडी रहेगी, वो बाक्स हटाने के बाद बनाएंगे। इतने दिन कचरा कुंडी है, फिर जब कोई भी नहीं आया, हमारी जगह है, कचरा मत डालो बोल के, तो अब ये बन रहे तो सब क्यों आ रहे कि हमारी जगह यहाँ शौचालय डाल सकते क्या, नहीं डालना बोल के। कचरा कुंडी था जब तो कोई नहीं बोले, पूरा कचरा भर जाता था। अपना कितने साल से हम यहाँ पे, कितने साल से आप लोग यहाँ पे? हम ये सात आठ साल तो पूरा कचरा ही डाल देते हैं यहाँ पे। हाल हाल तक बॉक्स था, जब नहीं बोले ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे ना, जब कचरा है यहाँ पे हमारा जगह के बाद घर के सामने कोई कचरा डाले तो कैसा लड़ने आते, फिर यहाँ पे कोई आए नहीं हमारा जगह पे कचरा, हमारी जमीन है बल्कि कोई आके बॉक्स बिठा, अब वो डालते ही बोल रहे कि हमारी जगह है, तुम लोग कैसा ये कर। हम ये यहाँ पे बोलते केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में वर्ल्ड हार्ट डे 2021 तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी मजलिस व याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर रुकन काउंसिल रियाजुल हसन अफेंदी ने शिरकत की। इस दौरान केयर हॉस्पिटल CEO कामरान हुसैन, डॉक्टर शास्त्री के अलावा स्टाफ भी मौजूद था। इस दौरान हार्ट से मुतालिक प्रैक्टिकल मुशाहिदा करवाया गया और जनरल सेक्रेटरी मजलिस पाशा खादरी के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, जिसको उर्दू में दिल कहा जाता है, और इससे मुराद अभी डॉक्टर साहब ने इस हॉस्पिटल
लेकिन इस दवा खाने की एक तारीफ है और काफी अच्छे खिदमत भी रहे हैं, लोग इससे इस्तेफादा भी किए। रात में शिफा होती है जिससे मरीज को सेहत होती है, लेकिन जो लोग अपनी बीमारी को ज्यादा पेचीदा बना के रुजू होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हयात के की तवक्को कम की जाती है, की तवक्को कम की जाती है। फिलहाल कोई ना कोई शिफाया पाने वाले भी है और यहाँ से रुख्सत होने वाले दुनिया से। ये दिल का ताल्लुक हर इंसान के लिए एक अहमियत का हामिल है। ये सब ये जान लें कि हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है, और अगर जो पूरा शरीर हमारा चलता है, चाहे वो गुर्दे हो, चाहे लिवर हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मसल हो, हमारी रग रग में जो खून आता है वो इसी हार्ट से आता है। तो इसीलिए आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हार्ट का ध्यान रखने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है उसको आप कंट्रोल में रखिए, अगर आपको शुगर की बीमारी है उसको कंट्रोल में रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको दवाइयाँ भी लेने पड़े तो अपने डॉक्टर से मिलिए और दवाइयाँ ले लीजिए। इसके अलावा आप अपना वज़न कम रखें, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, खाना पीने में सब कुछ खाएं, लेकिन जो भी चीज़ खाएं ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। अब ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही आप नॉन वेजिटेरियन बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान को आदत है खाने की वो खाएगा, वो उसके लिए एक नॉर्मल डाइट है, लेकिन उसको एक कम खाइए, उसको ज़्यादा मत खाइए, और साथ में अपनी हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब भी अपनी डाइट में उसको मिला के खाइए, ऐसे एक ही चीज़ मत खाइए। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराइए, अगर आपको कोई भी महसूस हो, ऐसी शरीर में दिक्कत है, सांस की तकलीफ़ है, छाती में दर्द है, चक्कर आ रहा है, कुछ बेहोशी टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको इस टाइप का कोई भी चीज़ हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। बहुत से लोग एसिडिटी एसिडिटी बोल के पेट के दर्द को हमारे पास आते हैं और उनको हार्ट अटैक निकलता है। इसीलिए कोई भी इस तरीके की एसिडिटी हो, आपको घबराहट हो रही हो, पसीने आ रहे हो, तो आप इमीडिएटली अपने जो भी पास के डॉक्टर या हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाके एक ECG ज़रूर करवाएं, और उससे पता चल जाएगा कि आपको सीरियस हार्ट की तकलीफ है कि वाकई में एसिडिटी है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया दिनों हुई बारिश के सबब जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा के मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने आवाम से मसाइल के मुतालिक तफसीलात हासिल की और ज़रूरी इकदामात का तयखुन दिया। स्पीकर ने कोरोना से मरने वाले शख्स की बेवा से बात करते हुए 5,000 रुपये माली इमदाद की और हर माह 2,000 रुपये पेंशन की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा टाउन के मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड्स का दौरा किया, मरीज और स्टाफ से बात करते हुए इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी, वहीं अस्पताल में स्टाफ के जल्द तकरारात की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल चेयरमैन जी गंगाधर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने राजन्ना सिलसिला ज़िले की आबादी के 98.5% अवाम को कोविड के टीके का पहला डोज दिए जाने पर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को मुबारकबाद पेश की। सिलसिला कलेक्टर अनुराग जयंती ने इस खसूस में एक ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर KTR की हिदायत और रहनुमाई के तहत ये काम किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िले के 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को ये टीके दिए गए। उन्होंने वज़ीर KTR के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के दफ्तर को भी ये ट्वीट टैग किया। रियासती हुकूमत के तहत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानब से रियासत के इमाम व मुअज़्ज़िनीन को दिए जाने वाले माहाना मुशाहरे की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए आज इमाम व मुअज़्ज़िनीन की बड़ी तादाद ने नामपल्ली में वाक़ हज हाउस दफ्तर वक्फ बोर्ड पर एहतजाज किया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी की क़्यादत में किए गए इस एहतजाज के दौरान कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू किया। इस मौके पर सूफी खैरुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन के बजाय तेलंगाना हुकूमत के नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं और माहाना मुशाहरे की इजराई में ताखीर करते हुए इमाम व मुअज़्ज़िनीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी इस मसले के हल का मुतालबा किया। और आज यहाँ पर आने की अहम वजह यह है कि हमारे रियासत तेलंगाना के जो मसाजिद के इमाम मुअज़्ज़िनीन हैं, जिनको हुकूमत 10,000 को सेंक्शन कर उनको जो है ना रकम जारी किया जा रहा है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की बदउनवानी है
कि वो हर वक्त 1200, 800, 900 इमाम मौजूनों के पैसे यहाँ पर जो ना गबन किए जा रहे हैं, हम उसके निशानदेही किए। और उसके बाद इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट में जो है ना गड़बड़ी है, तो आज हम ये बोले हैं कि जिसके बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है आप वो लिस्ट दीजिए, हम उसकी जो है ना अकाउंट उनको जो है ना सही करा के आपको देंगे। तो ये बात तय हो गई है। और दूसरे 7000 जो दरख्वास्तें पेंडिंग में हैं, उस दरख्वास्तों के लिए हम 15 दिन से हम ये वक्फ बोर्ड में हम अप्लीकेशन डाले थे RTA में कि जो गवर्नमेंट को आप जो लेटर भेजा है उसकी कापी दो, तो जो है ना फिराया जा रहा था। लेकिन आज हमको ये जो है ना हमारे हवाले किया गया है ये लेटर जो यहाँ से गवर्नमेंट को गया। अब हम ये लेटर लेकर वजीर फाइनेंस के पास जाएंगे और माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास जाकर ये 7000 दरख्वास्तों की हम मंजूरी की इंशाल्लाह हम वहाँ पर जो ना नुमाइंदगी करेंगे। और रही बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अमले के ताल्लुक से अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि ये वक्फ बोर्ड आज सारे हिंदुस्तान में सबसे बदनाम है। इसलिए है कि यहाँ के अमले में इंसानियत कम और मुनाफिकत ज़्यादा है। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हमारा जो चेयरमैन है ये अबुल मुनाफिक है। सामने ये एक बात कहने वाला है और हटने के बाद में ये अलग कार्रवाई करने वाले हैं। ये हम जमाने से जो ना हमको ये साबिका पड़ रहा है, तो हम आज मजबूरन हमको ये रोड पर आना पड़ा इनकी हरकतों की वजह से। हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि अम्मा मौजनिन के मसले को हल कीजिए और वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ चल रहे हैं उसके खिलाफ तहकीकात कीजिए और जो इसके अंदर खाती जो है ना ठहरेंगे आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और शुरू से आखिर तक जो वक्फ बोर्ड को आता है उसको हर तरीके से यहाँ पर परेशान किया जाता है, उसको जो ना चक्रों पर चकरा दिए जाते हैं। आज हम इस पर भी बात करें चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने वादा किया है कि आइंदा से नहीं होगा, नहीं होना बहुत अच्छा है, अगर होगा तो हम आगे और सख्त कदम उठाएंगे। दूसरी जानिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इमाम मौजनीन के माहाना मुशाहरे की इजराई के सिलसिले में वक्फ बोर्ड पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन खादरी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम की तरदीद की और माहाना मुशाहरे की इजराई से मुतालिक वजाहत पेश की। गरीब इमाम मौजनों के पैसे चले गए, जिसका अकाउंट सही नहीं है उन लोगों के पैसे रिटर्न आते, रिटर्न आए तो फिर मेमो देते हैं उनको, मेमो देने के बाद क्लियर हुआ तो पैसे चले आते, यहाँ रोकने का सवाल ही नहीं है वक्फ बोर्ड में, समझे। सब आके गड़बड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ पैसे तो जो है ना पैसे आए तो एक मिनट भी नहीं रुकते, यहाँ पर सेम डे हम बैंक में डला देते हो, गवर्नमेंट का हदिया है वो, गवर्नमेंट दे रही हदिया इमाम मौजनों को, जो भी हदिया आता है इमीडिएट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको। अब उसको इशू बना के तमाशा नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ है तो आके सीधा मिलना हमारे ऑफिसरों से। ये नए एप्लीकेशन आए तो उसका क्या करते हैं सर आप लोग? नए एप्लीकेशन आए तो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते, गवर्नमेंट उसको कंफर्म करके दी, वेरीफाई करके, तो उसको भी गवर्नमेंट जैसा बोली ऐसा चलते हम लोग। और कमेटी बास कमेटियों में जो है इमाम मौजन में बोलो ना यहाँ नहीं है, बिहार में है, यहाँ से पैसे ले रहे, ड्यूटियाँ छोड़ दिए पैसे जा रहे हैं, लोग ऐसा नहीं दे सकते ना, उन लोगों को रोक देते पैसे, वो रोक दिए तो पैरवियाँ करके गलत सलत पैरवियाँ करके डबल डबल ले ले रहे, ऐसा नहीं दे सकते ना। नहीं, कमेटी की तस्दीक करने के बाद ही आप लोग रिलीज करेंगे? कमेटी तस्दीक करना, फिर हमारे भी स्टाफ तस्दीक करते हैं उसको, आईडी कार्ड वो सब लेके। अगर जैसा आप अभी आप बताए बिहार में जाके बैठ के ले रहे तो वैसे लोगों के पास फिर आप तो रोक दे रहे ना, नहीं दे रहे ना वैसों को, वैसे पैसे रुक जाते हैं हमारे पास, मालूम होते ही रोक देते हम लोग। ठीक है सर। मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरा हलके के चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 100 मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सुहेल कादरी, मुजफ्फरुद्दीन शफात, वासीउद्दीन अलमदार वाला जाही, नसरीन सुल्ताना के अलावा मुतालिक अहदेदार और इस्तेफादा कुनंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। याकूतपुरा असेंबली हलके के अंदर तमाम बल्दी इलाकों में चार मीनार मंडल के तहत जो शादी मुबारक के चेक्स मंजूर हुए, तकरीबन 100 अफराद में इन चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी लागत 1,11,000 रुपये की लागत है यहाँ पे। और ये सिर्फ चार मीनार मंडल में, याकूतपुरा असेंबली हल्के को चार मीनार मंडल सबसे ज़्यादा कवर करता है, माँ बाकी सईदाबाद मंडल है और उसके बाद सबसे छोटा एरिया बल्लागुड़ा मंडल को आता है, तीन मंडल ना लगते याकूतपुरा असेंबली हल्के में। बहरहाल शादी मुबारक के चकों की जैसे जैसे तैयारी हो रही है बुला के लोगों को देते जा रहे हैं। नकीब मिलत बारिश असोद्दीन सदर मजलिस पार्लियामेंट की भी पाबंद किया गया है,
के पूरे MLAs कारपोरेटर जिस मंडल में भी चेकों की तैयारी होती है फौरी चेकों की निकासी के लिए उसकी तकसीम के लिए इंतजाम करें और दरख्वास्त गुजारों के हवाले वो चेकां करें, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी माशी परेशानी में मुबतला है। किसी किस्म की ताखिर नहीं करना चाहिए, लोगों को ताखिर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारे चेकां तैयार हो रहे हैं हम देते जा रहे हैं। अभी चार मैड मंडल में मैं समझता हूँ कि 400 के करीब चेकां तैयार होने के हैं, जैसे जैसे होंगी हम देंगे। याकूतपुर असेंबली हल्के के तमाम कारपोरेटर्स मुजफ्फरुद्दीन साहब, कुरमागुड़े के नुमाइंदा कारपोरेटर शफाज साहब, रैन बाज़ार के वासे साहब, तबीपुरे के अलमदार साहब, तालाब चनी चलम के नसीन फातिमा साहबा, पत्थरगट्टी के सोहेल खादरी साहब और मुगलपुरे के नसीन फातिमा साहबा, ये तमाम कारपोरेटर इसमें तकसीम के मौके पर मौजूद है और तकसीम भी किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों का तआवुन रहेगा। इसी तरीके से लोगों की शादी मुबारक के चेक उनके हवाले करते जाएंगे ताकि लोगों को भी सहूलत हो सके। शुक्रिया। शहर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पैदा हुई सूरत हाल का डायरेक्टर जू पार्क डॉक्टर सिद्धानंद IFS ने जू पार्क के क्यूरेटर VL सुभद्रा देवी के हमरा जायज़ा लिया और मुमकिन साफ़ सफाई के इकदाम की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि मीरालम फ़िल्टर के लबरेज़ होने पर ज़ायद पानी जू में दाखिल हो रहा है, ख़ासकर टाइगर सफारी सेक्शन में, जिससे जानवरों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आज इस इलाके की साफ़ सफाई और पानी की निकासी के काम अंजाम दिए गए। हुकाम ने बताया कि जू में तमाम जानवर महफूज हैं। उन्होंने महकमे आबपाशी JHMC को इस जानिब तवज्जो देते हुए मीरालम टैंक से आने वाले पानी को दूसरी सिमत मोड़ने इकदाम पर जोर दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मनदा इंडिया फॉर टाइगर्स ए रैली ऑन व्हील्स मंगल के शब आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर पहुंची और यह रैली आज शहर के ज़िले महकमे जंगलात के दफ्तर से दोबारा शुरू हुई। इस मौके पर ज़िले अहदेदारों ने रैली को अलविदा कहा। इस रैली की अहमियत की वजाहत करते हुए CCF रामालिंगम ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर श्रीसैलम में शुरू होने वाली यह रैली 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र में उड़ीसा के टाइगर रिजर्वायर पर इख्तिताम पज़ीर होगी। ये रैली शेरों के तहफ़ के बारे में लोगों में शऊर पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। CCF रामलिंगम ने कहा कि सबको बड़े शेरों की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अकड़ा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा लो मुगिस्तुंदी, सो ई विधंगा देशंलो अन्नी टाइगर रिजर्व्स नी కల్పుతూ డిఫరెంట్ ఈ యొక్క ర్యాలీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ అడవిలో జిల్లా ఎన్నో టైగర్స్ ఇంతకుముందు మనకి ఇక్కడ ఉండేవి, అలవలంగా ఉండేది మనకు టైగర్స్ ఈ యొక్క నేల. కాబట్టి ఆ టైగర్స్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి. దానికి కావలసిన ఈ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉండే ఆవాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మనం అందరం ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి వాటిని అభివృద్ధి చేసుకుంటే మనం పూర్వ యొక్క వైభవం మనకు పునరావృతం అవుతుందని మనం ఈ యొక్క ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ప్రజలందరినీ ఇందులో మమేకమై మనం ఈ ర్యాలీస్ నిర్వహించడమే కాకుండా ఈ ఆవాసాల అభివృద్ధి కోసం మనం అందరం పాటుపడితే బాగుంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మనం ఈ టైగర్ యొక్క ఆవాసం ఏవైతే అభివృద్ధి చేస్తే మనకు మిగతా జంతువులతో పాటు అన్ని విధాలుగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందని ఈ యొక్క ఈ సందేశాన్ని మేము అందరికి ఇస్తూ ప్రజలకి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ యాత్రను కొనసాగించవలసిన మన టీం అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సేఫ్గా ఈ యాత్ర ముగించాలి 2 అక్టోబర్లో. వారందరికీ విజయం చేకూర్చి ప్రజల్లో అవగాహన ముఖ్యంగా కల్పిస్తూ ఈ యాత్ర ఖబర్నామే ఫిలాల్ లెంగే ఎక్ బ్రేక్ ములాఖాత్ హోగీ ఇస్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే బాద్. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली
कौसर मोहीउद्दीन की सरपरस्ती में नाना नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने महकमे वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर जौहर अली के हमराह हकीमपेट इलाके का दौरा करते हुए वाटर पॉल्यूशन, लो प्रेशर व दीगर शिकायात का जायजा लिया और मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। इस दौरान सुदूर इब्तदाई मोतमुद्दीन, अलीमुद्दीन, मजीद, हादी, सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला मेडचल हल्के असम्बली खुतबुल्लापुर के टीआरएस कॉरपोरेटर सुरेश रेड्डी ने सुराराम कॉलोनी तेलुगु तल्ली नगर का दौरा करते हुए बारिश से हुई तबाहकारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी आवाम से मसाइल दरियाफ्त किए और मुमकिन इकदाम का तयखुन दिया। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर आवाम को दिया और किसी भी मसले पर रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने GHMC अहदेदारों और अमले को पानी की निकासी और ड्रेन लाइन की फौरी सफाई की हिदायत दी। గత రెండు రోజుల నుంచి మరి వర్షాలు బాగా భయంకరంగా పడటం వల్ల మరి యొక్క ఈ సురారం 60 గజాల్లో అంతా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా మరి పాత ఇళ్ళు ఉన్నాయి, కొంచెం డౌన్ కూడా ఉండటం వల్ల ఈ ఇళ్ళన్నింటిలో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి. చాలా బాధాకరం. మరి విషయాన్ని MRO గారికి, అదేవిధంగా మా MLC గారికి, MLA గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఎవరికైతే నష్టపోయారో వాళ్ళకు ఏదైనా సహాయం చేసే కార్యక్రమం కూడా వారితో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రాతిపదిన మా GHMC వారిని కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ మాన్సూన్ టీం కూడా పిలిపించడం జరిగింది. ఇమీడియట్ ఇక్కడున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాం. GHMC हदूद में वाक़े चर्च गागिल्लापुर सर्वे नंबर 214 की अवाम ने मीडिया से बात करते हुए उनको दरपेश मसाइल की यकसुई का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। इस मौके पर मुतासर अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से कंपनियों से खारिज होने वाले फाजिल मादे और साथ ही बारिश से जमा होने वाले पानी से कई एक मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से अवाम की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने मुतालिका MLA, MLC व दीगर जिम्मेदारों से इस मसले की मुस्तकिल यकसुई का मुतालबा किया। मोहरी का पानी आ रहा, खाली बाथरूम का पानी आ रहा, बच्चे जाके खेल के केमिकल का पानी आ रहा है उसके अंदर, केमिकल हर चीज का पानी आ रहा उसके अंदर, बाटल चिंदिया हर सब आ रहा उसके अंदर, बच्चे जाके खेल रहे, हम नहीं रहते एक टाइम को बच्चे जाके खेल रहे उसमें, उन लोगों को बीमार पड़ते तक बच्चे उनकी तबियत खराब हो गई, तो कोई मर गए बाद ही करते है ना, तो जब तक कुछ भी नहीं करते क्या ये बच्चा शारे बाजी पकड़े जब खंभे डाले, अब कोई मरे बाद में जो पानी बंद होता क्या, जब तक बंद नहीं होता। कौंसलर साहब भी बखूबी जानते हैं और हमारे रजित रेड्डी साहब भी बखूबी जानते हैं, जनाब राहत अली साहब भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये काम को जल्द से जल्द यह पानी को रोका जाए और ये पानी का एक रास्ता बनाते हुए जो आवाम को तकलीफ हो रही इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने ST कम्युनिटीज़ के मुस्तहकीन के लिए मंजूर शुदा लोन सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खसूसी की तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के ST मुस्तहकीन के लिए 60 यूनिट मंजूर किए गए हैं। इस सिलसिले में आज दरख्वास्त गुजारों के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक की गई, जबकि जल्दी ही इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी, काउंसलर अजय अशोक स्वामी और म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा वेंकटेश, बैंक के नुमाइंदे, काउंसलर, मेपमा अमला और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना BJP की एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने बतकम्मा त्यौहार के पेश नज़र आज आदिलाबाद में वाक़ बतकम्मा घाट का दौरा किया और बतकम्मा त्यौहार के इनेकाद के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया करने का मुतालिका अहदेदारान से मुतालबा किया। इस ज़िमन में उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुहासिनी रेड्डी ने कहा कि बतकम्मा त्यौहार को रियासत की खवातीन रिवायती तौर पर मनाती हैं, उन्हें मुकम्मल सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। इस मौके पर शोभा, संतोष, मोहन अग्रवाल और दीगर मौजूद थे। बतकम्मा पंडग मोदल कानुन्न संदर्भंलो आदिलाबाद पट्टणंलो उन्न बतकम्म घाट्लनु संदर्शिंचडं जरिगिंदी। ई रोज इक्कड ब्राह्मणवाड चेरुकट्ट दग्गर अंटे तेलंगाणा राष्ट्रं वच्चिन तर्वात बतकम्म पंडगकि ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఇవ్వడం జరిగింది. బతుకమ్మ అంటే దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా భక్తి శ్రద్ధలతోని పూజించి ఆటపాటలతోని మహిళలు జరుపుకునే ఒక ఈ ప్రత్యేకమైన పండుగ తెలంగాణ సంస్కృతికి నిదర్శనం. ఇలాంటి పండుగను మరి ప్రత్యేకంగా తీసుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పండుగకి నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న బతుకమ్మ ఘాట్ల పరిస్థితి చూస్తే ఎక్కడా కూడా సరైన సౌకర్యాలు లేవు. 9 రోజులు మహిళలు బతుకునే అమ్మగా భావించి ప్రకృతిని అంటే ప్రకృతినే దర్శించి ప్రకృతిని మాతగా భావించి పూలతోని నీళ్లతోని ఆకులతోని
मरी बतकम्मनु जरुपुकुने ई सांप्रदायंलो मरी वारिकि कावाल्सिन सौकर्यालनु मात्रं प्रभुत्वं कल्पिंचडं लेदु। आदिलाबाद पट्टणंलो दादापु 8 నుంచి 10 బతుకమ్మ ఘాట్లు ఉన్నాయి। నిన్న కుమ్మరికుంట దగ్గర కూడా వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ పూర్తిగా పందులు తిరుగుతున్నాయి, కరెంట్ లేదు, ఇలా మొక్కలు పిచ్చి మొక్కలు గాని మరి గుర్రపు డెక్క ఉండడం వల్ల దుర్గంధం వస్తుంది, దాంతో పాటు దోమలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మహిళలు నిజంగా బాధపడుతున్నారు। మరి మన అధికారులు, జిల్లా అధికారులు ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కూడా కలిసి ఇక్కడ చెత్తాచెదారం తొలగించడంతో పాటు బతుకమ్మ ఘాట్కు కావాల్సిన సౌకర్యాలు మహిళలు ఇక్కడ వచ్చి నిమజ్జనం చేసినారు। ఆడుకోవడానికి పాడుకోవడానికి కరెంట్, మంచి నీరు, మరి ఇక్కడ శుచి శుభ్రత ఇది మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి మేము అధికారులను కోరుతున్నాం। తెలంగాణ జిల్లా నిజామాబాద్ కే ఎందల్వాయి మండల్ కే గనారామ్ దేహాత్ మే మిషన్ భాగీరథ కీ పైప్ లైన్ ఫట్ పడి, జిస్కే నతీజే మే नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पाइपलाइन से पानी बहकर खेतों में दाखिल हो गया, जिस पर किसानों ने अपनी फसलों को लेकर तशवीश का इजहार किया। जगत्याल मजलिसी सदर यूनुस नदीम ने बल्दिया जगत्याल के वार्ड 30 में वाक़े मस्जिद नफीसा के पास ज़ेर इल्तवा सीसी रोड और कलवट के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने का चेयरपर्सन श्रवणी से मुतालबा किया, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्यादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यूनुस नदीम ने मजलिस के काउंसलर रजीउद्दीन, मजलिसी खायत नुमान और शहर की बुजुर्ग शख्सियत मुइजुद्दीन के हमरा मस्जिद नफीसा के पास जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बाद अजां चेयरपर्सन श्रवणी से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए ज़ेर इल्तवा कामों के मुतालिक बात की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर साबिक में रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की भी तवज्जो दहानी करवाई गई थी, ताहम इन कामों को अंजाम नहीं दिया गया। सोशल मीडिया, खास करके फेसबुक और व्हाट्सएप समाज में उरियानियत फैलाने के अलावा कई जराइम व बुराइयाँ पैदा करने का सबब बन रही हैं। इसकी जद में न सिर्फ जवान बल्कि शादीशुदा अफराद भी आ रहे हैं। ताज़ा वाक़े में दो बच्चों की मां ने शौहर से ज़बरदस्ती तलाक लेने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर उसका पहले तो किडनैप करवाया और ज़बरदस्ती तलाक के पेपर पर दस्तखत करवा लिए। ये शैतानी हरकत सिकंदराबाद के मार्केट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई है। पुलिस ने किडनैप की शिकायत पर फौरी हरकत में आते हुए मुतासरा शख्स शेख वाजिद, जो सिकंदराबाद बस स्टैंड के इलाके में जूतों की दुकान पर सेल्समैन हैं, को बचाते हुए खातून असफिया बेगम, इस काम में साथ देने वाले आशिक के दो दोस्तों इमरान अहमद और ज़फ़र को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया, जबकि मास्टरमाइंड आसिफ और इरफान अहमद मफरूर बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि शादीशुदा खातून असफिया बेगम की आसिफ से दोस्ती फेसबुक पर हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, जिसके लिए इन दोनों ने मंसूबा बनाकर ये काम अंजाम दिया। सायंत्रम 5:45 अट्ला एसएनएस फुटवेयर अने मन 31 बस स्टॉप दगर उंटदि आ शॉप लो पंजे शटतनु वाजिद अने अतन्नि ओक नलुगुर व्यक्तुलु वच्चि बयटिकि पिलिचि హుండా యాక్టివ్గా మాట్లాడేదని చెప్పి వాడిని బెదిరించి బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసుకొని తీసుకొని పోయారు। వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మాకు షాప్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। అతన్ని లొకేషన్ బేస్ తోటి మేము ఐడెంటిఫై చేసి రాత్రి దాదా 9:00 ముషిరాబాద్ ఏరియాలో పర్వాన్ హోటల్ దగ్గర ఉంటే మనం ట్రేస్ చేసి కిడ్నాపర్ను ప్లస్ అక్కడ సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ విక్టిమ్ వాజిద్ వాళ్ళ మిస్సెస్ ఈ సుల్తానా అనేట ఆమె ఈ ఎండి ఆసిఫ్ తోటి ఇల్లీగల్ రిలేషన్ ఉంది, దానికి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆసిఫ్ తర్వాత ఇతని భార్య ఇంకో 4 వ్యక్తులు కలిసి అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా విడాకులు తీసుకునే విధంగా అక్కడ ఒక కాజీ కూడా పిలిపించి బలవంతంగా సంతకాలు చేయించుకోవడం జరిగింది। అవన్నీ మేము రికవర్ చేసి వీళ్ళందరినీ కోర్టు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం। ఎంతమంది నమ్మి పోరాటాలు ఉన్నారు సార్? ఇప్పుడు అయితే మా కస్టడీలో ఉన్నారు, ఇంకో ఇద్దరిని
शहर हैदराबाद में आईपीएल की सट्टेबाजी करने वाले 23 बुकीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसद्दका इत्तला पर साइबराबाद एसओटी पुलिस ने मियांपुर, बाचूपल्ली, गच्ची बाउली समेत 7 मकामात पर छापा मारा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सट्टाबाजी करने वाले 23 बुकीज को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 93 लाख रुपए की नकद रकम और इस काम में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, रूटर्स और दीगर अशिया जब्त कर ली, जिसकी जुमला मालियत 2,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि गूगल के मोबाइल ऐप के जरिए ये गिरोह बेटिंग कबूल कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये बेटिंग 4 सतहों पर की जा रही थी। असल बुकी के मुआवीन के तौर पर 3 दीगर बुकीज काम कर रहे थे। मोबाइल ऐप के जरिए मालूमात हासिल करते हुए सट्टाबाजी का काम किया जा रहा था। मुंबई, गोवा, दुबई में उनके नेटवर्क का पता चला है। उन्होंने कहा कि इस ऐप को ख़त्म करने के लिए गूगल से ख्वाहिश की गई है और इस खसूस में एक मकतूब उसको रवाना किया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद की खदीम सब्जी मंडी कारवान में तरकारी फरोश खवातीन को रफे हाजत के लिए मुश्किलात, पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का मुतालबा। हैदराबाद के नामपली केयर हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे 2021 तकरीब, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने की शिरकत। तेलंगाना के जिले सरसल्ला के 98.5% पॉपुलेशन को दिया गया कोविड का पहला डोज, वजीर केटीआर ने जिले की आवाम, कलेक्टर और तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। इमाम व मुअज्जिनैन के मुशाहरे जारी करने में बदउनवानी का सूफी खैरुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड पर लगाया इल्जाम, चेयरमैन मोहम्मद सलीम को बताया अबुल मुनाफिक। दो बच्चों की मां ने आशिक के साथ मिलकर किया शौहर का किडनैप, तलाक के पेपर पर जबरदस्ती करवा लिए दस्तखत, खातून और दीगर दो लोगों को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में आईपीएल की सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 23 बुकीज गिरफ्तार, नकद रकम समेत जुमला 2 करोड़ से ज्यादा मालियत सामान जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।